भाई आप अगर 1,30,000 के अंदर एक बाइक के लिए प्लान कर रहे हो ना, और आप चाहते हो कि आपकी बाइक के अंदर बहुत ही अच्छा स्पेसिफिकेशन, लुक्स, माइलेज आपको मिले, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा टॉप 5 बेस्ट लुकिंग 125cc अपकमिंग बाइक के बारे में, जो आपको इंडियन टूलर मार्केट में 2024 में दिखने वाला है। और ये सभी 125 सेगमेंट का बाइक ना, प्रीमियम सेगमेंट की बाइक है, जैसे कि KTM ड्यूक 125। इसलिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप या फिर मिस मत करना। सो आई एम सुदीप फ्रॉम द रिव्यू सर्टिफाइड राइडर्स, एंड आप सभी को रिव्यू सलाम। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लिस्ट पर पहले नंबर पर आता है KL ड्यूल 125। फिलहाल ये एक इटालियन ब्रांड है, जो कि अपनी बाइक को इंडियन टूलर मार्केट में लॉन्च करेगा, और ये डायरेक्ट टक्कर लेगा KTM ड्यूक 125 से, क्योंकि ड्यूक 125 की जो प्राइसेस है वो काफी हाई है, बट इस बाइक का प्राइसेस काफी कम रहने वाला है। बात किया जाए स्पेसिफिकेशन एंड ओवरऑल लुक्स के बारे में, तो इस बाइक के अंदर जो इंजन है वो आपको सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन मिल जाएगा, जो काम करेगा 12 HP पावर के साथ। 10 Nm टॉर्क आपको यहाँ पर दिया जाएगा। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ लिक्विड कूलिंग का भी ऑप्शन मिलेगा, और इस बाइक के अंदर स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर जैसे ऑप्शन आपको मिल जाता है। अब बात किया जाए ओवरऑल लुक्स के बारे में, इस बाइक की फ्रंट पर दोनों प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, जो DRL आप लोग नोटिस कर सकते हो। LED टेल लैम्प, LED इंडिकेटर्स आपको इस बाइक के अंदर प्रोवाइड किया जा सकता है। आप देखो रियर की जो टायर प्रोफाइल है काफी ब्रॉड मिलेगा, एक 125 सेगमेंट के अंदर 140x70 सेक्शन का टायर आपको मिल जाता है। फ्रंट पर आपको 110x70 सेक्शन का टायर आपको मिल जाता है। ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन रहेगा, और जो सस्पेंशन है फ्रंट पर आपको 37mm का UST सस्पेंशन मिलता है। रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आपको इस बाइक के अंदर देखने वाला है। अब बात किया जाए माइलेज के बारे में, 40 लीटर की फ्यूल टैंक आएगा, जहाँ पर 45 से लेके 50 km तक माइलेज इजिली आपको मिल जाएगा। 120 km पर आवर की टॉप स्पीड भी आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल सकता है। अब प्राइसेस के बारे में अगर बात किया जाए, तो 1,20,000 इस बाइक की एक शोरूम प्राइस है, यानी कि 1,45,000 तक इस बाइक का ऑन रोड प्राइस जा सकता है, जो KTM ड्यूक 125 की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। दोस्तों नंबर 2 पर आता है कावासाकी Z125। जी हाँ दोस्तों, फाइनली कावासाकी अपनी 125 सेगमेंट की बाइक को इंडियन टूलर मार्केट पे लॉन्च कर रहा है, क्योंकि आज की डेट पे ना कावासाकी की जो सेल था वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो रहा है इंडियन टूलर मार्केट पे, और ये डायरेक्टली टक्कर लेगा KTM ड्यूक 125 से, क्योंकि इसके अंदर जो पावर आता है ना वो KTM ड्यूक 125 से भी ज्यादा मिलता है। इस बाइक के अंदर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन रहने वाला है, जहाँ पर लिक्विड कूलिंग के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स तो होगा, बट इसका जो पावर है वो KTM ड्यूक 125 से ज्यादा है। ड्यूक 125 पर 14.5 BHP की पावर आता है, बट इस बाइक के अंदर 15 BHP का पावर आता है 11.2 Nm टॉर्क के साथ। और इस बाइक की ओवरऑल लुक्स की अगर बात किया जाए, तो बाइक के अंदर कोई भी LED हेडलैम्प, LED इंडिकेटर्स नहीं आएगा। बाइक के अंदर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी नहीं आएगा, हैलोजन हेडलैम्प, हैलोजन इंडिकेटर्स देखने को मिल सकता है। रियर पर टेल लैम्प LED के साथ मिलेगा, और इस बाइक के अंदर जो सस्पेंशन है वो फ्रंट पर 37mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलेगा। यहाँ पर यूएसटी सस्पेंशन आपको नहीं दिया जा रहा है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट पर आएगा। रियर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन, और जो टायर साइज रहने वाला है रियर की जो टायर है 130x70 सेक्शन का, फ्रंट पर 110x70 सेक्शन का टायर आएगा। ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ABS का ऑप्शन रहने वाला है। अब देखो इस बाइक की जो सीट है वो स्प्लिट सीट के साथ आएगा। डिजिटल मीटर कंसोल के साथ कनेक्टिविटी के फीचर्स आपको यहाँ पर मिल सकता है, और इस बाइक के अंदर जो प्राइजेस रखा जाएगा 1,40,000 यहाँ पर एक शोरूम प्राइस रखा जा रहा है। इसका मतलब बाइक की जो ऑन रोड प्राइस है वो काफी हाई दिखने वाला है, बट ये ड्यूक 125 से तो कम ही आपको दिख जाएगा। अब बात किया जिस बाइक की माइलेज के बारे में, 40 km का माइलेज कावासाकी क्लेम कर रहा है, आपको मिल सकता है इंडियन टूलर मार्केट पे अंदर। दोस्तों नंबर 3 पर आता है कावासाकी निंजा 125। ये जो बाइक है ना बांग्लादेश मार्केट पे बहुत ज्यादा फेमस है, एंड फाइनली ये इंडियन टूलर मार्केट पर भी आने वाला है। अब देखो ये जो बाइक है ये टक्कर लेगा भाई KTM ड्यूक RC 125 से। बात किया जाए इस बाइक की ओवरऑल लुक्स, पावर एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, इस बाइक के अंदर सेम इंजन रहने वाला है जो आपको Z125 पर आ रहा है, जैसे कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन है, लिक्विड कूल पर चलने वाला 6 स्पीड गियरबॉक्स, जहां पर आपको दोस्तों 15 BHP का पावर के साथ 11.7 Nm का टॉर्क आपको इस बाइक के अंदर देखने को मिल जाएगा। क्विक शिफ्टर एंड स्लीपर क्लच का ऑप्शन रहने वाला है। बट बात किया जाए इस बाइक की ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में, तो यहाँ पर आपको दोस्तों ड्यूल डिस्क ब्रेक के साथ ड्यूल चैनल ABS का भी ऑप्शन रहेगा। ओवरऑल जो लुक्स है वो आपको एक स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर दिया जाएगा। बात किया जाए इस बाइक का माइलेज, टॉप स्पीड एंड प्राइसेस के बारे में, 1,48,999 रुपीज आपको एक शोरूम प्राइस देना होगा इंडियन टूलर मार्केट पर। और इस बाइक की जो माइलेज रहने वाला है वो है आप दोस्तों 40 km का। टॉप स्पीड की बात किया जाए तो लगभग 125 km पर आवर की टॉप स्पीड इस बाइक पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों नंबर 4 पर आता है सुजुकी जिक्सर GSX S125। इंडियन टूलर मार्केट में इस
बाइक को डेफिनेटली लॉन्च किया जाएगा। एंड जब लॉन्च होगा ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होने वाला है, यानी कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे जो रोड है, जो वेदर है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए इस बाइक के अंदर टोटल 6 सेंसर को यूज किया जा रहा है। यहाँ पर कुछ नोटिस कर सकते हो, जो भी सेंसर वगैरह आएगा आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एंड इस बाइक की जो लॉक सिस्टम है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। ये देखो, इसका क्लोज जब रहेगा ऐसा कुछ दिखेगा, एंड जब ये ओपन रहने वाला है तभी कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात किया जाए इस बाइक की इंजन एंड पावर के बारे में, तो यहाँ पर भी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व का इंजन रहने वाला है, जो 6 स्पीड गियरबॉक्स लिक्विड कूलिंग के साथ आएगा। एंड इस बाइक की जो पावर है वो आपको 12 BHP के पावर मिलने वाला है। 10 Nm की टॉर्क आपको मिल जाएगा इस बाइक के अंदर। एंड इस बाइक की जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगा भाई, प्राइस, क्योंकि 80,100 प्राइस है, यानी कि बाकी की जो भी प्रीमियम सेगमेंट की बाइक अभी आने वाला है उसकी कंपैरिजन में इस बाइक की प्राइसेस काफी कम रहने वाला है। अब इस बाइक के अंदर फ्रंट पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यूज किया जा रहा है। बाइक के अंदर ड्यूअल डिस्क ब्रेक के साथ सिंगल चैनल ईबीएस का भी ऑप्शन है। रियर पर प्रीलोडेड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग नोटिस कर सकते हो, इस बाइक के अंदर डिजिटल मीटर कंसोल यूज किया जाएगा, जहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर, साइज 10 का टॉप सेंसर जैसे फीचर्स आपको मिल सकता है। बट यहाँ पर कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स का ऑप्शन अभी तक नहीं दिया जाएगा। बट इस बाइक की जो प्राइसेस है इसके ऊपर डिपेंड करते हुए, बाइक की स्पेसिफिकेशन बहुत ही अच्छा है। बाइक की फ्रंट पर आपको दोस्तों प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाएगा, बाइक की इंडिकेटर्स LED के साथ मिलने वाला है, टेल लैम्प LED के साथ मिलने वाला है। और इस बाइक का टोटल जो टॉप स्पीड आने वाला है 115 किलोमीटर पर आवर का दिखने वाला है। बाइक के अंदर आपको लगभग 50 km/h का माइलेज भी मिल सकता है। नंबर 4 पर आ रहा है QARK 125 cc वाला बाइक। इंडियन टू व्हीलर मार्केट को छोड़कर इंडोनेशियन मार्केट पे एंड बांग्लादेश मार्केट पे ये जो बाइक है ना, बहुत ही ज्यादा फेमस है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल लुक्स है, जो प्राइसेस है, जो स्पेसिफिकेशन है, काफी अट्रैक्टिव है। अभी इंडियन टू व्हीलर मार्केट पे ये जो बाइक है 2024 में आएगा, बट आने के बाद सेल कितना ज्यादा होता है यही देखना है, क्योंकि बाइक की जो ओवरऑल लुक्स एंड स्पेसिफिकेशन है वो काफी अट्रैक्टिव आपको देखने को मिल जाता है। बात किया जाए ओवरऑल लुक्स के बारे में, तो यहाँ पर टोटल 5 कलर ऑप्शन आपको दिया गया है, ब्लैक, रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू कलर ऑप्शन, जो कि येलो कलर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं बाइक की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के बारे में। फ्रंट पर देख सकते हो जो LED हेडलैम्प है ना, वो KTM ड्यूक 390 की जो ओल्ड वाला मॉडल था काफी रिलेट करता है उससे। अब इसके अंदर आपको USD सस्पेंशन दिया जा रहा है। फ्रंट पर आपको ABS का ऑप्शन है, रियर पर आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिल जाता है। 230mm की रियर की डिस्प्ले है। फ्रंट पर आपको 260mm का डिस्प्ले के साथ ABS का ऑप्शन मिल जाता है। टायर साइज काफी अच्छा है, 130x70 सेक्शन का टायर मिल जाता है। फ्रंट पर आपको 100x80 सेक्शन का टायर मिल जाता है। अब बात किया जाए इंजन एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पर आपको 125 cc वाला इंजन के साथ 12 BHP पावर, 10 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बट ये जो इंजन है ना, वो लिक्विड कूल के ऊपर चलता है, 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। इसके कारण बाइक की जो प्राइसेस है वो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है बाकी की जो XT125R या फिर जो की NS125R है, ऐसे बाइक से इसकी जो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। अब बाइक के अंदर आपको USB चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स मिलेगा, जितने भी इंडिकेटर्स वगैरह आएगा वो आपको LED के साथ ही प्रोवाइड किया जाएगा, स्प्लिट सीट के साथ ही इस बाइक को आएगा। आप अगर इस बाइक के लिए अलग से कोई वीडियो देखना चाहते हो कमेंट करके बताना, उसके लिए एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो यही तक था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है अगले कोई वीडियो में, तब तक अच्छे से रहिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।